हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बैडमिंटन के ग्राउंड के मेज़रमेंट के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो ग्राउंड का मेज़रमेंट है वो कैसा होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए वीडियो। तो स्टूडेंट देखते हैं कि कैसे उसको ग्राउंड का मेज़रमेंट होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट बैडमिंटन का, तो इसमें देखते हैं। इससे पहले कि मैंने वीडियो बताया हुआ कि जो ग्राउंड का मेजरमेंट कैसा होता है, बट उसका एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो कह सकते हैं कि हार्डली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या होता है। तो जो हमसे कोई पूछता अगर है कि बैडमिंटन ग्राउंड का मेजरमेंट क्या होता है, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे 44 बाई 20 फीट, क्योंकि ये जो ग्राउंड का जो मेजरमेंट है ये सिंगल के लिए नहीं, ये डबल के लिए है। बैडमिंटन गेम एक ऐसा गेम होता है जिसमें आप सिंगल और डबल्स में प्लेयर प्ले करते हैं। तो चलिए पहले अभी हम देख लेते हैं जो ग्राउंड का जो मेज़रमेंट है वो कैसा है। तो जिसमें हम कह सकते हैं हमारी जो हाइट है ग्राउंड कोर्ट की वो 44 फीट की हाइट होती है और 20 फीट की वेट होती है। इसमें हमारे जो सेंटर पे जो नेट बंधा होता है उसकी जो पोल की हाइट होती है वो 5.1 फीट की हाइट होती है, और इसी में हमारे जो पोल की पोल से जो नेट की डिस्टेंस होती है, इट मींस कि जो पोल, ये जो इस एरिया पे हमारे जो पोल लगा होता है, इस नेट की जो सेंटर लाइन, ये जो सेंटर लाइन होती है, इसके जो नेट की जो हाइट होती है वो 5 फीट की हाइट पर हैंग होता है। इसके बाद जो हमारी जो शॉर्ट सर्विस लेन से और हमारे जो नेट की जो बीच की डिस्टेंस है वो 6 फीट 6 इंचेस की इसकी डिस्टेंस होती है। उसके बाद जो है हमारा कोर्ट, जो जहाँ से सर्विस लेन स्टार्ट करते हैं गेम को, इसकी जो डिस्टेंस है वो 13 फीट की है। उसके बाद जो हमारी साइड गैलरी है उसकी जो डिस्टेंस है 2.2 फीट 6 इंच की डिस्टेंस होती है। इसके बाद जो हमारी ये साइड लाइन दी गई है इसकी जो डिस्टेंस है वो 1.6 इंच की होती है, मतलब कि 1 फीट 6 इंच की होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें गेम की स्टार्टिंग कैसे होती है और इस जो इन सब के जो वर्ड दिए हुए हैं वो मतलब इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंगल जब प्लेयर जो प्ले करता है वो कहाँ से प्ले करता है, वो कैसे प्ले करता है। ये जो गेम है दो प्लेयर के बीच में होता है, जैसे कि हमें पता है टीम ए और ये टीम बी। तो टॉस दोनों के बीच में अपने जो रेफरी आते हैं वो टॉस कराते हैं, और जो टॉस जीतता है उससे पूछा जाता है कि कोर्ट किस साइड लेना है या फिर सर्विस लेगा। तो ये डिसाइड हो जाने के बाद जो टीम का प्लेयर है, सपोज करते हैं टीम ए को हम लेके चल रहे हैं, अगर टीम डिसाइड करता है कि वो ये वाला कोर्ट लेगा या फिर ये वाला कोर्ट लेता है, तो सर्विस जो है दूसरे पर्सन को दी जाती है। सर्विस देने के बाद अगर ये प्लेयर सर्विस करता है तो उसकी सर्विस जो है वो जिस कॉर्नर पे खड़ा होगा, मतलब कि आपकी दो साइड हैं, राइट और लेफ्ट दो साइड होती हैं कोर्ट में, अगर वो लेफ्ट साइड में खड़ा अगर होता है तो वो आपकी जो सर्विस वो है लेफ्ट साइड में आती है, और राइट साइड में खड़ा है तो राइट साइड में उसकी सर्विस आती है। और जैसे कि हम जान लेते हैं ये राइट साइड हमारा ये हो गया, लेफ्ट साइड हमारा ये हो जाता है। अगर लेफ्ट से सर्विस करता है तो लेफ्ट में हमारा टीम ए का प्लेयर खड़ा होगा, अगर वो राइट से सर्विस करता है तो वो प्लेयर जो ए प्लेयर जो है हमारा राइट साइड में खड़ा होगा। पहली सर्विस जो होती है बैडमिंटन में हमेशा क्रॉस होती है, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेट टू स्ट्रेट सर्विस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो सर्विस करनी है, आपको क्रॉस करनी है, उसके बाद आपको अपना गेम जो है स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं सिंगल के लिए हमारा जो कोर्ट जो होता है वो कैसा होता है। सिंगल कोर्ट में आप जो है इस पोर्शन को,
मतलब कि आपको सिंगल, जब आप सिंगल प्लेयर गेम खेल रहे होते हैं तो ये इतना एरिया जो होता है, इतना ही एरिया जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, सिर्फ इतने में ही आपको प्ले करना होता है। आपको ये दी हुई है साइड लाइन, जो ये जो गैलरी दी हुई है, इसको यूज़ नहीं करना होता है, इसको आउटलाइन माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितने भी सिंगल्स प्लेयर प्ले करते हैं वो इसी लाइन के अंदर ही प्ले करते हैं, इस लाइन से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। इस लाइन का यूज़ होता है वो आपको आगे बताते हैं, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। और जो हमारी ये जो बैक गैलरी होती है, ये पूरा यूज़ एक सिंगल प्लेयर जो है यूज़ कर सकता है। और अब आती है इसके बारे जो डबल्स की, कि जो प्लेयर हमारे डबल्स में खेलते हैं वो कैसे प्ले करते हैं। जैसे कि बताया कि आपके जो सेम टॉस सब कुछ होता है, कोर्ट में आपको चूज़ कर लेना होता है, कोर्ट चूज़ करने के बाद आपको किस साइड में खेलना है, ये भी आपको, ये सब क्लियर हो जाने के बाद आपके जो प्लेयर हैं वो इस लाइन के पास खड़े हो जाते हैं, या आपको, या फिर आपके एक आगे खड़ा हो सकता है, एक पीछे खड़ा हो सकता है, या फिर आप उसके बराबर खड़े हो सकते हैं। ये आपके अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर है कि आप कैसी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको कैसे प्ले करते हैं। ये इसमें कोई रूल में ऐसा नहीं दिया गया है कि आपको नेट के पास ही खड़े रहना, आपको बैक साइड ही खड़े रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बैडमिंटन का बस पहला कॉन्सेप्ट बस यही होता है, जब भी सर्विस होती है क्रॉस जाती है, प्लस आपकी जो शॉर्ट सर्विस लेन है, ये इससे पहले कॉक आपकी नहीं गिननी चाहिए। इसकी जो कॉक है आपको ये पूरी पार, ये जो लाइन है वो पार होनी चाहिए। अगर उससे पहले अगर सर्विस कॉक गिर जाती है, सर्विस कॉक गिर जाती है, ध्यान रखिएगा, सर्विस शटल जो गिर जाती है, तो ये पॉइंट इनको ना मिलकर इस टीम को मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बारी जो है डबल्स प्लेयर की, अब उसके कोड को समझ लेते हैं। उसके कोड की जो लंबाई होती है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि 20 फीट की वेथ होती है और 44 की हाइट होती है, तो वो इस डबल्स के, डबल्स गेम्स के जो प्लेयर प्ले करते हैं उसकी मेन मेजरमेंट बताई जाती है सभी को। अगर इसी में कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है सिंगल प्लेयर के कोर्ट का मेजरमेंट क्या है बैडमिंटन में, तो हम बोलेंगे 44 by 17, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो 17 फीट की होती है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी 20 फीट की डिस्टेंस होती है। और सिंगल और डबल्स में बस एक यही डिफरेंस होता है कि आप सिंगल में सिर्फ इस लाइन तक को ही कोर्ट का मेजरमेंट माना जाता है, और जबकि डबल्स में पूरे ग्राउंड का जो मेजरमेंट है वो पूरा माना जाता है इसमें। और जो इसमें प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि जो पहली सर्विस है वो हमेशा क्रॉस जानी चाहिए, आपकी जो सर्विस है और जो नेट के पास की जो शॉर्ट सर्विस लेन होती है उसके पास नहीं गिरनी चाहिए, उसको पार करनी चाहिए। आपकी जो सर्विस करने का एरिया जो होता है वो आप कहाँ चाहें यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक सर्विस आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको आगे आकर ही सर्विस करनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सर्विस उसको कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको कोई कमेंट है बैडमिंटन से कोर्ट के मेजरमेंट से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे बैडमिंटन से रिलेटेड जितने प्रो एंड कॉन्स जो स्टेप्स होते हैं, टिप्स होती हैं, वो हम